की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पॉलिटिक्स में जहां राजनेताओं के कई मुद्दे होते हैं, वही एक मुद्दा पिछले कई वर्षों से भारत की राजनीति में छाया हुआ, विशेषकर सेकुलर पार्टियां। वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके भाषणों में एक बात बहुत जोर से आपको सुनाई देगी और वो है बी टीम। लेकिन बिहार के मुसलमानों को यह भी जानना जरूरी है, और खास करके जो सेकुलर पार्टियों को वोट देने में रुचि रखते हैं, उन्हें भी ये जानना जरूरी है कि इस बी टीम के पीछे कौन सा खेल खेला जा रहा। राजद की मुसलमानों के प्रति जो गंदी राजनीति है, आज मैं उस पर एक चर्चा करने वाला हूं। विनती करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई ऐसे राज जो पर्दे के पीछे से खेले जा रहे हैं खेल, वो मैं आपके सामने खोलने वाला हूं और बहुत कुछ बोलने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने भी असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा था। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अब हमें इससे फायदा मिलने वाला। जिसका जिससे नुकसान होता है, उसे बी टीम कहकर जनता को गुमराह किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव को लेकर भी तेजस्वी यादव की टिप्पणी यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर बी टीम है कौन और ये होता क्या चीज है, राजनीति में बी टीम के मायने क्या हैं, इसका अर्थ क्या है और क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता। राजनीति में खेल सब पर्दे के ही पीछे होता है, सो पर्दे के पीछे के खेल को समझना यही असल राजनीति है। बाकी जो पर्दे के बाहर है वो तो आम लोग और सामान्य लोग भी समझ लेते हैं। राजद ने कल टिकट का ऐलान कर दिया, यानी पूरी लिस्ट सार्वजनिक हो गई। अब तक सस्पेंस बना था, कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा और कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। सो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे घटक भी प्रतीक्षा में थे कि महागठबंधन की सूची सार्वजनिक हो जाए तो फिर रणनीति बनाने में हम भी लगे। सो कल राष्ट्रीय जनता दल की वो तमाम सूचियां जारी हो गई, लेकिन एक सीट को छोड़कर, यानी सीवान का नाम अभी लिस्ट में नहीं है। कुल 40 सीटों में 23 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, बिहार में पिछले दिनों इसी सरकार ने जातीय जनगणना कराया था, आपको भी पता होगा और सबको पता है। जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हो गया तो तमाम जातियों की सूचियां आ गई, प्रतिशत आ गया, लोगों को लगा कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी उस वक्त चूंकि एक साथ थे तो ये लगा कि ये सरकार अब प्रतिनिधित्व बराबर बराबर का देगी, अब किसी के साथ ना इंसाफी और बेईमानी नहीं होगी। लेकिन खास करके जो परंपरागत वोटर्स हैं, मतदाता है जो अटूट है, जो बिखरते नहीं है, चट्टानी ताकत के साथ इन दलों के साथ रहते, कम से कम उनके साथ तो ना इंसाफी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, आंकड़े बताते हैं कि 18% मुसलमानों की आबादी और 15% यादवों की आबादी। मुसलमान गारंटीड वोटर है आरजेडी का, गारंटीड, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुसलमान अब तक आरजेडी को नहीं छोड़ा है, 90 से लेकर अब तक का इतिहास मैं बता रहा हूं। लेकिन यादव मत पूछिए, यादव तो इनके ऐसे भी रहे हैं जो लालू परिवार को राजनीति से उठाकर फेंक देने में अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, और एक दो नाम नहीं, सैकड़ों नाम बिहार की राजनीति में है। सबसे पहले स्वर्गीय शरद यादव लालू के खिलाफ खड़े थे, वो लालू के घोर विरोधी, अब तो रामकृपाल यादव घोर विरोधी, किसी जमाने में पप्पू यादव घोर विरोधी रहे हैं, और कई नाम अभी जो मुख्यमंत्री की रेस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो खुद लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी है, उस परिवार के नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव का नाम आपने सुना ही होगा, और कितने यादव नाम आ जाएंगे जो लालू परिवार को राजनीति से मिटाने में अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। टिकट जो 23 सीटें कब्जे में आई, जिसमें 22 का ऐलान हो गया, 22 में 8 यादवों को टिकट दिया गया, 8 मुसलमानों को 2, कहां है ये प्रतिशत, कैसा है ये प्रतिशत। और अब अगर ये बात असदुद्दीन ओवैसी बोले तो आप उन्हें बी टीम कहें, जरा ये समझिए कि बी टीम
क्या होता है और कौन है। अब एक बड़ी बात बताकर आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि मुस्लिम वोट वाकई आरजेडी के साथ किस तरह से अटूट बना हुआ, वेबी क्विक से चिपका हुआ है, और यादव वोट किस तरह से चुनौती के रूप में लालू परिवार को मिटाने में लगा है और वो किस तरह से बिखरा। नवादा लोकसभा का नाम आप सबों ने सुना होगा। नवादा लोकसभा में एनडीए ने जहां एक भूमिहार को टिकट दिया है, चूंकि वो कई बार भूमिहार भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं, गिरिराज बाबू वहां रह चुके हैं, भोला प्रसाद सिंह वहां रह चुके हैं, इससे पहले सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से चुनाव लड़ चुकी है, वो एकदम लंबी सूची है, भूमिहार अक्सर वहां लड़े और जीते हैं, तो एनडीए ने भूमिहार को उम्मीदवार बनाया, वही आरजेडी ने वहां कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। अब साहब आरजेडी ने जीव कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, आरजेडी के तीन विधायक है वहां जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम है, मोहम्मद कामरान। अब जो कुशवाहा जी आरजेडी के उम्मीदवार है उसके साथ सिर्फ मोहम्मद कामरान है। आरजेडी के दो और जो विधायक है, प्रकाश वीर और विभा देवी, ये विभा देवी जो है वो आरजेडी की विधायक ही नहीं है बल्कि लालू परिवार की कृपा पर राजनीति के शीर्ष पर रहने वाले परिवार राज बल्लव यादव उनकी पत्नी है विभा देवी, जो नवादा सदर से विधायक है। अब साहब दूसरे प्रकाश वीर हैं, राज बल्लव यादव के ये भी करीबी माने जाते हैं। तीसरे एमएलसी है, ये भी देखिए, विधायक तो विधायक, करेला तो करेला, ऊपर से नीम, एमएलसी है अशोक कुमार यादव है। ये भी साहब, ये तीनों यादवों का नाम मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा यादव नेतृत्व जो है वो एक निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के साथ प्रचार में लगा हुआ, लगातार विनोद यादव के प्रचार में उनके मंचों पर, तस्वीर में भी आपको दिखा रहा हूं, उनके मंचों पर ये दोनों विधायक और एमएलसी साथ में दूसरे और भी जिला परिषद और ये मुखिया जो भी है यादव, ये सब के सब आरजेडी के खिलाफ नवादा में मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोल रहे, बी टीम कौन है नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को बी टीम कह रहे हैं, ओवैसी को बी टीम कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान को बी टीम कह रहे हैं, और 18% वाले मुसलमान को केवल 2 सीट पर, उसमें भी 1 सीट का हारना तो पहले ही तय है, जहां पिछली बार ही प्रयोग किया गया था गुलाम कौस का, जो फेल रहा, विफल रहा, इस बार अली अशरफ फातमी को टिकट दिया गया है। तो 8 टिकट यादवों को और 2 टिकट मुसलमानों को, तो प्रतिशत होना यह चाहिए था, यादव को अगर 8 मिलता तो मुसलमान को 10 मिलता, क्योंकि आप 15% यादव है तो 18% मुसलमान, लेकिन हुआ उल्टा, मैंने 8 टिकट यादव को और 2 मुसलमान को, और मुसलमान जो है बेचारा मोहम्मद कामरान मोर्चा संभाले हुए, और मोहम्मद कामरान उदाहरण दे रहा हूं आपको, पूरे बिहार में तमाम मुस्लिम लीडरान जो है वो मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम तंजीमें मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम ओलमा मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम दानिशवरान मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम लीडरान मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम नौजवान मोर्चा संभाले हुए, मुस्लिम महिला भी मोर्चा संभाले हुए, किसी भी कीमत पर आरजेडी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आरजेडी ही सेकुलरिज्म को बचाएगा, आरजेडी ही क्या कहते हैं लोकतंत्र को बचाएगा, और आरजेडी ही संविधान को बचाएगा, ऐसी बातें भी सुनने को आती है, लेकिन आरजेडी को कौन बचाएगा, सवाल तो ये बड़ा, आरजेडी तो सबको बचाएगा लेकिन आरजेडी को कौन बचाएगा, और आरजेडी क्या वाकई लोकतंत्र और संविधान बचाएगी या यादवों का सम्मान बचाएगी। अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना उद्देश्य होता तो वो तमाम वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व देती, वो तो यादवों को बिल्कुल 50% टिकट देने के मूड में है, बड़े दबाव के बाद वो जो है 8 पर आई है। ये वो पार्टियां हैं जो राज्यसभा में भी जब भेजती हैं तो पहले यादव, अब यादव ही नहीं परिवार, मीसा भारती राज्यसभा में भी, मीसा भारती लोकसभा में भी, 19 में भी लड़ी, 14 में भी लड़ी, हारी फिर भी टिकट मिल गया 2024 में पाटलिपुत्रा से, और हारने के बाद राज्यसभा भी मिल जाएगा। यही लोकतंत्र है क्या, इसी को बचाने की बात चल रही है क्या, यही संविधान है क्या, मीसा भारती ही संविधान है क्या, और मीसा भारती पर बस नहीं है भाई, मामला इससे आगे रोहिणी आचार्य का भी है, वो सीट भी छोड़ने को हम तैयार नहीं है, अगर यादव को ही देना था तो किसी और को दे देते, लेकिन नहीं साहब, परिवार का भी होना वर्चस्व होना जरूरी है, फिर जाति का भी वर्चस्व होना जरूरी है, नाम संविधान का होगा, और जो लोग हिस्सेदारी की बात करेंगे उसको बी टीम घोषित कर दिया जाएगा, और बेचारा मुसलमान जिसने कसम खा रखा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, सबसे लड़ लूंगा, हिंदू मुसलमान कर लूंगा, मोदी से लड़ लूंगा, भाजपा को दुश्मन नंबर 1 बना लूंगा, लालू परिवार को नहीं छोड़ूंगा, ये परंपरा है
इस बार इस परंपरा को टूटना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो दो टिकट मिला है मुसलमानों को शायद ये भी छीन लिया जाएगा, ये कहकर कि लोकतंत्र संविधान तो बचाना है, वो तो तुम्हें ही बचाना है, क्योंकि अगर तुम नहीं बचाओगे तो फिर हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, और हम तुम्हें क्या बचाएंगे वो भाषणों में कहा ही जाता है। बहरहाल आपको ये पता होगा कि ईडी ने तेजस्वी यादव को 8 घंटे तक अपने रिमांड में रखा था पूछताछ के लिए, वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, और उसके बाद छोड़ दिया। ईडी ने लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया था पूछताछ के लिए, उन्हें भी छोड़ दिया। ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया, वो गिरफ्तार कर लिया, हेमंत सोरेन सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। ईडी ने केजरीवाल को बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, ये क्या मामला भाई, फिर तेजस्वी यादव को क्यों छोड़ दिया गया? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, पॉलिटिशियन अगर आप हैं तो पर्दे के पीछे के खेल को समझे, असल राजनीति तो वही है। दरअसल सूत्रों की अगर आप माने तो ईडी की हिरासत में ही सौदे हो गए थे, और सौदा यह हुआ था किसी भी कीमत पे अगर परिवार बचाना है तो बिहार एनडीए को सौंपना पड़ेगा। सो तेजस्वी यादव ने बिहार एनडीए के हाथ में गिरवी रखने का निर्णय लिया। पूर्णिया इसका पहला उदाहरण, नवादा दूसरा उदाहरण, पाटलिपुत्रा तीसरा उदाहरण, सारण चौथा उदाहरण, बेगूसराय भी एक उदाहरण के रूप में आप रख सकते हैं, जहां कन्हैया कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसके कारण कन्हैया कुमार आज एक एक सीट के मोहताज हो गए हैं। यह सब कुछ दर्शाता है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से मूड में है कि हमने जो वायदा किया है वो मुझे निभाना है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन भाजपा और आरजेडी की डीलिंग यह है कि तुम मुझे बिहार दो मैं तुम्हें ईडी सीबीआई और मुकदमे से आजादी दूंगा। बहरहाल बातें अभी और हैं, और लेकर मैं आऊंगा अगले एपिसोड में, बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के और भी स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा और फिर आपसे रूबरू हो जाऊंगा। एक अर्जी लगाकर जाता हूं कि YouTube पर देश की सच्चाई को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेहतर वीडियो लगे तो शेयर जरूर करें, और अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।